नमस्कार, ऐसे न्यूज में आपका स्वागत है। हमारी पूरी टीम निकली है कि किस तरीके से कौन सी पार्टी को लोग पसंद करते हैं, तो आइए हम लोग शुरू करते हैं। आने वाले टाइम के अंदर आप किसकी सरकार देखना पसंद करेंगे, बीजेपी की, कांग्रेस की या बहुजन समाज पार्टी की? हम तो आम पार्टी है, बीजेपी देखेंगे हम तो। बीजेपी देखेंगे, हाँ। मोदी सरकार की? मोदी की। बहुत बढ़िया। हमारे साथ एक ऑटो वाले हैं जो गाजियाबाद यूपी के हैं, और तो आने वाले टाइम के अंदर आप किसकी सरकार देखना पसंद करेंगे, बीजेपी की, कांग्रेस की या फिर बहुजन समाज पार्टी की? बीजेपी काम तो बढ़िया कर रही है, अब तो महंगाई ज्यादा है। अच्छा, ये तो दिक्कत भी पैसे पैसों की दिक्कत आ रही है सबकी। ठीक है, मगर प्रधानमंत्री लायक तो मोदी है वैसे। आप किसकी सरकार चाहते हैं, बीजेपी की, कांग्रेस की या बहुजन समाज पार्टी की, मायावती की? जी, बहुजन समाज पार्टी की सरकार होनी चाहिए, ना ही उसमें कोई गुंडागर्दी होती है और प्रशासन भी अच्छा होता है। बहन जी की सरकार आनी चाहिए। हमारे साथ एक माता जी हैं, उनसे हम लोग पूछते हैं, अपने घर का काम कर रही हैं, सरकार बनेगी मोदी की, कांग्रेस की या मायावती की? मायावती की। मायावती की। मायावती की क्यों सरकार बनेगी वो बताएं। मायावती से फायदा। क्या फायदा है मायावती से? इस बेचारी सारे में वो करवा रही है। क्या काम कराती है मायावती? सारे काम करवा रही है। मोदी ने कहा कुछ ना करवाया और दुनिया लूट लूट कर बैठा लिवाने। बीजेपी की सरकार देखना पसंद करें लाइफ टाइम। अच्छा, बीजेपी की क्यों देखना पसंद करेंगे? सारे काम अच्छे हैं बीजेपी के। मायावती की होनी चाहिए। अच्छा, मायावती की क्यों सरकार होनी चाहिए? ये गरीब आदमी के साथा करती है। साथा करेगी, करेगी ही और करेगी। देखना पसंद करेंगे बीजेपी की या बहुजन समाज पार्टी? मायावती की। मायावती की। मायावती की सरकार देखना क्यों पसंद करेंगे? अच्छी सरकार है जी, अच्छी सरकार है। ऐसा कौन सा अच्छा काम कराया मायावती ने जिसको आप दोबारा लाना चाहते हैं? मायावती ने गरीब लोगों के लिए जगह जगह फ्लैट बना के दिए और काफ़ी सहायता करी है, गांवों में भी मकान दिए मजदूर आदमियों के, इसलिए। देखो, मायावती के उसमें महिला सुरक्षित समझती थी अपने आप को, और अब जो है सुरक्षित बिल्कुल भी नहीं है। अभी महिला सुरक्षित नहीं है मोदी राज के अंदर, मोदी राज के अंदर गुंडा राज। मायावती की सरकार आनी चाहिए क्योंकि मायावती ने बहुत ज्यादा लड़कियों के लिए भी सुरक्षा प्रदान की थी और पढ़ाई में भी अच्छा योगदान दिया था और लड़कियां भी आगे बढ़ के बोली थी, चली थी, तो उसी के कारण मायावती की, मायावती एक साथ में वो भी लेडीज है, उनको पता है कि आज के माहौल में क्या है क्या नहीं है। आने वाले टाइम के अंदर किसकी सरकार देखना पसंद करते हैं, बीजेपी की, कांग्रेस की या मायावती की? तो कांग्रेस की करेंगे। कांग्रेस की पसंद करते हैं। और आप किसकी पसंद करते हैं, कांग्रेस की या बीजेपी या बहुजन समाज पार्टी की? बहुजन की। बहुजन समाज पार्टी की। और आप? बहुजन समाज पार्टी। बहुजन समाज पार्टी की पसंद करते हैं। आप बीजेपी की सरकार देखना पसंद करेंगे, कांग्रेस की सरकार देखना पसंद करेंगे या बीएसपी की सरकार देखना पसंद करेंगे? जी, बीएसपी की सरकार देखना पसंद करेंगे। क्यों बीएसपी की सरकार देखना पसंद करेंगे आप? इसलिए पसंद करेंगे कि उनकी जो वो सरकार है जी, उसमें जो है गुंडागर्दी मुक्त हो जाती है। अच्छा। और सरकारी कार्य जो है जी, वो जो अच्छे तरीका से चलते हैं। हम किसी टाइम भी दफ्तर जाते हैं या उसमें तहसील जाते हैं तो हमारे काम सुचारू रूप से हो जाते हैं। 2020 में कांग्रेस की सरकार मिली है क्योंकि बीजेपी के राज में आज तक कोई ना तो खुशहाल रहा और ना जिंदगी में रहे, तो इसलिए मैं भी चाहती हूँ कि मायावती की सरकार आनी चाहिए। जी, मैं तो समझता हूँ कि मायावती आनी चाहिए, पर मैन तो है कि मायावती की सरकार बननी चाहिए। ये जो सरकार चल रही है मोदी की, इसमें एक तो महंगाई काफ़ी बढ़ी हुई है और जो ये नोटबंदी का है ये भी काफ़ी इसमें असर पड़ा है लोगों पे। कांग्रेस की देखना चाहते हैं हम सरकार, मायावती की आनी चाहिए जी। मैं तो आपसे एक बात कहूँ, मैं तो अपनी कांग्रेस सरकार को ही चाहता हूँ। बीएसपी होनी चाहिए। बीएसपी होनी चाहिए। बीएसपी क्यों होनी चाहिए, बहुजन समाज पार्टी क्यों आनी चाहिए कि बीएसपी की सरकार आए? बीएसपी की सरकार, अरे जाति के लिए उसने सब कुछ करा है, बट मोदी ने क्या करा है? मोदी ने तो कुछ भी नहीं करा, मोदी ने तो दंगे फसाद करा है। ये कहना चाहते हैं कि मायावती जो सिर्फ जाति की वोटिंग करती है, यानी कि जो बहुजन समाज है सिर्फ उसके लिए, बाकी के जो ब्राह्मण समाज वगैरह हैं वो कहाँ जाएंगे? के लिए, सबके लिए मरती है वो, एक ही समाज के लिए नहीं मरती, सबके लिए मरती है मायावती। बननी चाहिए कायदे में मायावती की, बननी चाहिए इसलिए कि जो गरीबों की सहायता करें। 2019 में मायावती के। आपका क्या नाम है? ननुआ जी। ननुआ जी, आपने तो कई सारी सरकारें आती हुई जाती हुई देखी हैं, तो 2019 के इलेक्शन भी नज़दीक हैं, आप क्या किसकी सरकार देखना पसंद करेंगे, बीजेपी की, कांग्रेस की या बीएसपी की? कांग्रेस छोड़ो, हम तो सीधे जो है मायावती बहन जी को चाहें। अच्छा, बस ये पूरा का पूरा बाजार मायावती बहन जी को क्यों चाहता है? बहुजन समाज पार्टी, बहुजन समाज पार्टी चाहेंगे। हाँ, जान लगा के नहीं चाहेंगे। अच्छा,
अच्छा आपको ईवीएम से होने चाहिए या बैलेट पेपर से होने चाहिए? मायावती की सरकार आनी चाहिए क्योंकि मायावती की सरकार के टाइम में यहाँ पर थोड़ा मंदा भी था सब चीज सारा सामान। कांग्रेस को सरकार आनी चाहिए। आपका क्या नाम है सर? रामपाल। रामपाल जी आप 2019 में बीजेपी की सरकार देखना पसंद करेंगे कांग्रेस की या बीएसपी की? हाँ जी तो हम तो वो जो घेरेंगे मायावती को घेरेंगे। मायावती को घेरेंगे जहाँ कट्टे में जाओ क्योंकि उनके शासन में कोई भी ऐसा काम नहीं होता है वो जो नहीं करता हो। किसकी सरकार देखना चाहेंगे आप? समाजवादी पार्टी। समाजवादी पार्टी मायावती। बीजेपी में परेशान कर रहे हैं पब्लिक को, पुलिस वाले परेशान कर रहे हैं, हर चीज में परेशानी है। महंगाई में तो हर चीज में परेशानी है, पब्लिक हर चीज से परेशान हो रही है।